आज मैं इस चूल्हे के ऊपर आपको बिना पानी के अंडे बॉईल करके बताऊंगा और आसानी के साथ मैं आपको चूल्हा जला के बताऊंगा और एक तरह मैं चावल भी बनाऊंगा और उसके ऊपर मैं आपके अंडे फ्राई भी करूंगा, अंडा टिक्का भी बनाऊंगा और शकरकंद भी बापूंगा। सब मैं एक तरीके से आपको करके बताऊंगा किस तरह से बनते हैं ये, ठीक है। आपको मैं चूल्हा जला के बताता हूँ आसानी के साथ। देखो इस तरह से पहले लकड़ी डाल लेनी है, लकड़ी जमा लो आप आराम से, ठीक है। अब मैं फिर जमा के, ये आपने लकड़ी जमा दी, ये चूल्हा जलाने का तरीका यही है, आपने पतली पतली लकड़ी जमाई। जमाने के बाद क्या करना है, ये आपको दो अखबार रख लो, ठीक है। ये अखबार लिया आपने और ये एक अखबार से आग लग जाती है। ये अखबार लिया आपने, यह जलाया आपने ये माचिस के साथ, ठीक है। अब देखो आप, ये मैंने यह रखा ये, अब एक अखबार लगा दिया मैंने आग, ये ऊपर आ गई। देखो आप, ये आग ऊपर आ गई, देखो आप, ठीक है, ये आग ऊपर आ चुकी है। तो आपको थोड़ी और तेज लगानी है तो एक बार एक अखबार और लगा दो, नहीं एक अखबार से आग लग जाती है। ये आपकी आग लग रही, देखो आप, मैंने कुछ भी नहीं किया आपके, ये देखो आप, ये आग आ रही है आपके। ये इसके अंदर क्या ऑक्सीजन घुसती है, उस ऑक्सीजन की वजह से आग जलने लगती है आपकी, बस। ये देखो आप, कुछ भी नहीं किया मैंने, ये आग लग रही है मैंने, ना तो कोई मिट्टी के तेल की ज़रूरत है, ना केरोसिन की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत नहीं है। खाली एक तरीका होता आग लगाने का, और ये पूरा कमरे के अंदर चलूँगा मैं, मेरा फार्म हाउस के ऊपर आया हूँ और ये चूल्हा कम से कम सोच लो 5 सालों का मेरे को चलते चलते। इस तरह से देखो आप, ये इतनी लंबी लंबी लकड़ी है, इसके अंदर इतनी लंबी लंबी लकड़ी भी चलेगी। ऐसी ऐसी लकड़ी है, कई भी आरा मशीन की दुकान पर चले जाओ, सुतार की दुकान पे चला जाए, आपका चूल्हा 10 किलो लकड़ी खाता है, ये 2 किलो ही लकड़ी खाता है। जिस लेडीज़ों को खाना बनाने में 3 घंटे लगते हैं, ये 1.5 घंटे में आपको खाना बना के दे देता है। और वुड का खाना, लकड़ी का खाना खाना बहुत स्वाद बनता है। आप इस तरह कैसी भी लकड़ी लो, जैसे ऐसे ऐसे, और सबसे बेहतरीन टुकड़े थे इसके अंदर, ऐसे जाड़े जाड़े जो गट्टे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे जलते हैं। इतने छोटे छोटे टुकड़े डालोगे, ये इतने बड़े बड़े 8-8, 10-10 इंच के टुकड़े, उसका एवरेज और अच्छा देता है। कुछ भी नहीं करना, ये देखो धुआं निकला, अपने पतली पतली लकड़ी रखी और इस तरह से आपको ये लकड़ी जमानी है एक बार। और जिन जिन लेडीज़ों को कभी ज़िंदगी में जिन्होंने चूल्हा नहीं जलाया ना, उनको क्या करना है, पहले एक बार लकड़ी का इतना सा भर के रख दे, तो वो उनके लिए है। जिन लेडीज़ों को चूल्हा कम जलाना आता है ना, जला कभी जलाया नहीं, बस ये भर के रख दो और ये आग लगती रहेगी, पूरा चेस जाएगा चूल्हा, उसके बाद ही वो खाना बनाना चालू करे। बाकी जिन लोगों को चूल्हा जलाना आता है लेडीज़ों को, उनको कोई ऐसा कोई तकलीफ नहीं होती, वो तारीफ़ करती है, हमें वो फूक लगाने वाला सिस्टम खत्म हो गया, हमें खाना बनाने के अंदर, हमें मैंने जितने पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये चूल्हे मैंने पहुँचा दिए साहब। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जगह खाना इस चूल्हे के ऊपर बनता है। ये भारत सरकार द्वारा पेटेंट है, वर्ल्ड का पहला चूल्हा है, इसके ऊपर दुनिया के सारे खाने बनते हैं। देखो मुझे APB न्यूज़ है, उसने चैनल पे शूट करके डाल रखा है, दैनिक भास्कर ने मेरे अच्छा बना, हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उन्होंने शूट करके डाला है, कई अवार्ड मिल चुके हैं आसानी के साथ। जिसको ये भारत सरकार द्वारा पेटेंट चाहिए ये चूल्हा, जिसको भी चाहिए 9992919997, और ये दूसरे नंबर पर आप फ़ोन करोगे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चूल्हे आपको मिल जाएंगे। ये देखो इस तरह से लकड़ ियाँ डालनी है, आग लग रही है, आप लकड़ियाँ जमाते रहो और कोई तकलीफ नहीं, ऐसी ऐसी लकड़ियाँ आप ये रख दो। अब लकड़ियाँ ठेठ आगे नीचे रखनी है, वो क्या नीचे रखने से क्या आग वो लकड़ी जलती रहेगी, ये चेज जाएगी, वो लकड़ी जैसे आगे वाली ख़त्म हुई। देखो जो लोग कहते हैं ना जिन्हें मतलब काले बर्तन होते हैं, काले बर्तन के लिए हल्के हल्के तो होते हैं, लकड़ी का चूल्हा है तो काला हल्का बर्तन होगा, पर ये ध्यान रखो आप, या तो आप ये जो मैंने लगाया ना गीली करके इसी की राख लगी है, या तेल लगा दो या सरफ लगा दो, पर इसका अगर राख लगाओगे तो बहुत स्वाद रहेगा। ये बस ये आपने लगा दिया, ठीक है, ये मैंने कुछ भी नहीं करा, और इससे क्या है कि आपका हाथ भी सैनिटाइज हो जाएगा। हाथ ये अपने क्या बोले, राख से हाथ धोने से इंसान के हाथ बिल्कुल साफ रहते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो शानदार आग लग रही है, अब मैं क्या थोड़ा पानी गर्म करने के लिए, देखो आवाज़ आई है, ठीक है, ये पानी गर्म किया मैंने, थोड़ा पानी गर्म कर रहा हूँ मैं, फिर आपको मैं सब बताता हूँ कंप्लीट। बस इस तरह से आग लगती है, आपको कुछ भी नहीं करना है, लकड़ी इस तरह से जमानी है, एक के साथ दूसरी जुड़ रही है, नीचे लकड़ी जमाते रहो, भरनी इतनी सी लकड़ी, और ये बड़ी आग लग रही है। अब ये देखो ये इस तरह से मैं ये हटा रहा हूँ, और ये चूल्हा जिसको भी चाहिए 9992919997 से फ़ोन करोगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चूल्हा मिल जाएगा। ये देखो इस तरह से आपको ये
ये उतारना है, ठीक है। ये जाली निकालनी है आपके, ये देखो आप, ये जाली निकाली और जाली निकाल के आपको ये देखो आप, ऊपर तो आपके शानदार अंडर अंडे बॉईल हो रहे हैं, इसके नीचे आपके देखो वापिस से मैंने अंडर बॉईल कर रखे हैं वो, ठीक है। फिर ऊपर शकरकंद है, इसके इधर शकरकंद है और वहाँ पे चावल है, ये सब एक साथ आपके चावल अभी बनेगा खाना। और अभी मैं आपको अंडा टिक्का बना के बनाऊँगा शानदार, बिल्कुल अंडा टिक्का। ये देखो इस तरह से लकड़ी रखी मैंने, इस तरह से एक एक लकड़ी रखनी है ये, और शानदार आग लग रही है। ऊपर मैं अपने अंडा टिक्का बनाऊँगा, देखो आप। अब मैं शकरकंद इसको छोड़ूँगा, ये टमाटर हो रहा है इसके अंदर रोस्टेड, और 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर ये शकरकंद फेर दो। उधर देखो आपके चावल हो रहे हैं वहाँ पे, और इसी शकरकंद के नीचे देखो मैंने अंडे बॉईल कर रहा हूँ मैं, ये अंडे बॉईल हो रहे हैं नीचे की साइड में, ये सब वो एक साथ ही हो जाएंगे। ये इस तरह से लकड़ी रखनी है, एक एक लकड़ी रखनी है, आग शानदार लग रही है। और ये देखो आप ये अंडे रखते रहो, मुझे कोई बनाना नहीं आता चावल, मैं भी वीडियो देख के ही कहने मतलब मैं ये अंडा टीका ये सब बना रहा हूँ, आपको ही बनाना हो तो इस तरह से बनाना। ये देखो इस तरह से लकड़ी आगे ले लेनी, सरका दोगे आप तो और भन्नाट आपकी आग लगेगी, ठीक है। देखो कितनी बढ़िया लग रही है, और देखो कितने शानदार अंडों हो गए। ये आराम से जो भी इंसान रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, होटल के लिए, ढाबे के लिए, जो भी रोड के ऊपर ही बैठ के अगर ये चूरा लगा देगा उसको रोज़गार मिल जाएगा। ये देखो नीचे देखो कैसे अंडे का पानी उबल रहा है, देखो आप नज़र आया, देखो अंडे उबल चुके हैं। और ऊपर मैं बनूँगा अंडा टीका, ये देखो आप, वो उधर चावल हो चुके देखो आप, ठीक है। और ऊपर आपके देखो ये बन रहा है, ये देखो आपके ये अंडा टिक्का बना दिया मैंने शानदार। ये देखो आप ये अंडा टिक्का उगल रहा आपके, ये अंडा टिक्का। और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो आप, ठीक है। ये अब देखो आप इसके अंदर ये शकरकंद हो चुके थे, इसी के अंदर शकरकंद हुए थे वो सारे मैंने निकाल दिए। ये देखो आप ये आपके टमाटर रोस्टेड हुआ, अब मैं जाली वाली सब निकाल दूंगा और दिखा के बता दूंगा। ये देखो अंडे बॉईल करे मैंने, नीचे की साइड में अंडे बॉईल कर दिए आपके, ठीक है। ये अंडे बॉईल हो चुके साहब, ज़्यादा रह गए। और ये देखो चावल बना आपके, ये चावल बन चुका है। ये देखो शानदार खिला चावल बना इसके अंदर, ये चावल देखो आप, ये आधा किलो चावल बना इसके अंदर, पूरा आधा से ऊपर ही है, कम नहीं है देखो, ठीक है। ये आपके हो गया अंडा टिक्का, ये देखो आप, ये शानदार अंडा टिक्का हुआ है देखो आप, ठीक है। अब इसी के साथ आपके दो टमाटर हो गए हैं, जैसे रोस्टेड बाहर के लोग ज़्यादा खाते हैं ग्रिल करके, देखो आप। और ये शकरकंद हुआ है, अब शकरकंद देखना आप, ये मावे की तरह शक्करकंद हो चुका है। ये देखो आप गरम आ गए, ये सब एक ही साथ मैंने ये किया है, और कितना शानदार आसानी के साथ मैं एक घंटे से चूल्हा जला रहा हूँ ये, और इतना बेहतरीन जल रहा है। एक घंटे, दो घंटे, चार घंटे तक जला हुआ चूल्हा, ऊपर आपके पनीर टिक्का है, उसके नीचे चावल है, और मैंने अंडे और बॉईल करके दिखाया मैंने आपको। ये देखो आप ये अंडे बॉईल हुआ है, इसके अंदर तंदूरी अंदर बॉईल ऊपर नहीं हुआ है देखो आप ये, ठीक है। और इतना हो गया है, ये वर्ल्ड का पहला चूल्हा है, भारत सरकार द्वारा पेटेंट है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जगह खाना इस चूल्हे के अंदर बनता है। ये वर्ल्ड का पहला चूल्हा है, भारत सरकार द्वारा पेटेंट है। जिसको भी ये चूल्हा चाहिए 9992915774 कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये चूल्हा मिल जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा कोई बाकी कोना बाकी नहीं जो मेरे चूल्हे नहीं गए हो,